हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव वुमेन्स। मैं आज आपको वेस्ट मटेरियल का यूज़ करना बताऊंगी कि हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ कैसे करें। इसके लिए हमें एक बोर्ड चाहिए। आपके पास बोर्ड है तो आप बोर्ड ले लीजिए, अदरवाइज़ आप इसके लिए थर्माकोल की शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल में पानी लिया और ऊपर से धीरे धीरे पीओपी पाउडर को मैं पानी के अंदर डालूंगी। जैसे जैसे पीओपी पाउडर पानी के अंदर डालेगा वो अपने आप नीचे बैठता जाएगा। ये काम मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरे पेस्ट के अंदर बबल्स ना बने, गांठे ना पड़े, क्योंकि ये पानी के अंदर बैठता रहेगा तो ये अपने आप मिक्स होता जाएगा। बीच में हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हिलाना है और हमें एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। यदि ये थोड़ा पतला भी रह जाता है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर ये सेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऊपर से यदि हम पाउडर डालते हैं तो क्या होता है वो दिखाऊंगी। ये देखो, मैंने ऊपर से जब पाउडर डाला तो इसके अंदर गांठें पड़ गई। अब इन सब गांठों को अच्छे से तोड़ के और मुझे वापस एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसीलिए मैं पहले पानी लेती हूँ बाउल में और ऊपर से पाउडर डालती हूँ, उससे गांठे नहीं बनती बिल्कुल भी। और आप पहले पाउडर लेकर ऊपर से यदि पानी डालेंगे तो पेस्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, गांठे पड़ जाती है। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं इसको स्पून की हेल्प से बोर्ड के ऊपर स्प्रेड करूँगी, ये स्पून की हेल्प से। फिर हम एक कोई नाइफ लेंगे, किसी भी नाइफ की हेल्प से इसे बिल्कुल प्लेन बनाना है। बोर्ड के ऊपर हम बिल्कुल प्लेन, बोर्ड हमें बिल्कुल प्लेन चाहिए, बिल्कुल प्लेन बॉर्डर बनाएंगे हम। ये हम इसके ऊपर थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, बोर्ड के ऊपर जो हम पेस्ट लगा रहे हैं उसको थिक रखेंगे। यदि वो थोड़ा मोटाई में लगेगा तो हम जो आगे काम करेंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमें पूरा फोर साइड्स इक्वल करनी है, बिल्कुल प्लेन रखना है इसे अभी। अब आपके पास कोई टूल नहीं है तो हमें घर पे हमारे सब टूल्स अवेलेबल होती हैं। ये मैंने कॉम लिया, कॉम की हेल्प से मैं बैकग्राउंड तैयार कर रही हूँ। ये हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ये बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। बहुत तरह के डिज़ाइंस होते हैं, जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो बनाइए, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं वेव्स बनाऊँगी, ये डिज़ाइन बनाऊंगी। अब जैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं तो कॉम के साथ थोड़ा थोड़ा पेस्ट निकल जाता है, हमें उसे बीच बीच में साफ़ करते रहना है कॉम को अपने। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो बनाइए। ये देखो, हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया है बिल्कुल। अब मेरे पास कुछ वेस्ट चीज़ें हैं जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये हैप्पी बर्थडे पेंसिल्स, कुछ टॉयज़ बच्चों के, ये सब चीज़ें हम सबके घर में मिल जाती है, यूँ ही वेस्ट पड़ी रहती है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए मत भूलिएगा। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा फास्ट करना है, क्योंकि पीओपी पाउडर का पेस्ट जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। इसको हम थोड़ा प्रेस करेंगे, ये प्रेस करने से इसके अंदर अपने आप पेस्ट हो जाएगा, इसकी पकड़ अपने आप मज़बूत बन जाएगी। हमें इसको पेस्ट करने के लिए किसी अलग से फेविकोल या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बस ध्यान इस बात का रखना है, हमें फटाफट सारी चीज़ें इसके ऊपर सेट कर लेनी है और फिर अच्छे से प्रेस करना है और फिर इसे 3-4 घंटे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है।
पीओपी पाउडर पे हम जब भी कुछ ऊपर से अलग से लगाते हैं तो हमें अलग से पेस्ट करने के लिए फेविकोल या कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, इसीलिए हमने पहले इसका थोड़ी थिकनेस ज़्यादा रखी थी बॉल्ड पे जब हम ये लगा रहे थे, तो यही मेन रीज़न था थिकनेस रखने का। लेकिन जब ये बनकर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने कुछ एक चीज़ें टॉयज़ वगैरह लगा के ये वेस्ट सामान लगा के इतना अच्छा तैयार कर लिया। बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव पीस बन के आएगा ये। ये देखो हमारा, अब मैंने सूखने के लिए रख दिया इसे, ये 4-5 घंटे सूख जाएगा, गर्मियों में थोड़ा जल्दी सूखता है। अब इसका बॉर्डर बनाएंगे। इसका बॉर्डर बनाने के लिए मैंने नोटबुक का पीस लिया, आप न्यूज़पेपर कोई भी पेज ले सकते हैं, कोई भी पेपर लीजिए। इस पेपर को मैं राउंड राउंड फोल्ड कर दूंगी और लास्ट में फेविकोल से चिपका दूंगी, और 4 स्टिक्स बनानी है हमें। ये मेरी 4 स्टिक्स बन के रेडी हो गई। अब मैं इसको 4 साइड पेस्ट कर दूंगी। ये स्टिक्स 4 साइड पेस्ट करने के लिए यहाँ हमें फेविकोल लेना होगा, इसे हम फेविकोल की हेल्प से पेस्ट करेंगे। आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, रियल में बहुत अच्छा बन के आएगा ये। अब हमें इसके ऊपर कलर करना है। मैंने एशियन का ऑयल पेंट लिया है, मैं ब्लैक कलर करूँगी। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कीजिए। मैं यहाँ ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर करूँगी। कलर करते वक्त भी हमें कुछ चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना होता है कि कलर कहीं एक जगह बहुत ज़्यादा ना लग जाए, फिर हम जब सेकेंड कॉट करते हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले हम सिंगल कॉट करेंगे, उसे सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, 1-2 घंटे में वो सूख जाता है अच्छे से, फिर हम उसके ऊपर सेकंड कोट करते हैं। हमें सारा काम बिल्कुल ध्यान से करना होता है ताकि हमारा काम नीट एंड क्लीन हो। हमें 2 कोट तो करने ही करने होते हैं क्योंकि सिंगल कोट से कभी भी शाइन नहीं आती। जब हम सेकंड कोट करते हैं तो उस कॉट से, उस कलर से अपने आप एक शाइन बन जाती है इसके ऊपर। सबकी अपने अपने कलर के अकॉर्डिंग चॉइस होती है। आप ऑयल के अलावा कोई दूसरा कलर कर रहे हैं तो फिर उसमें 1-2 चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। कोई भी कलर करने के बाद उस पर वॉर्निश करना होता है, मैं वॉर्निश का वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। जब आप कोई और कलर करेंगे तो फिर वॉर्निश का 1 कोट करना होता है। वॉर्निश से क्या होता है कि एक प्लास्टिक की लेयर बन जाती है, फिर हमारा कलर डस्ट नहीं पकड़ता। और हम जब ये, मैं ये कलर कर रही हूँ इस ऑयल पेंट के ऊपर, हमें कोई भी वॉर्निश करने की जरूरत नहीं होती। मैं सिर्फ ये एक सिंगल कोट करूँगी, फिर थोड़ी देर छोड़ दूँगी इसे, फिर मैं इसके ऊपर दूसरा कोट करूँगी। एंटीक लुक देने के लिए मैं गोल्डन से स्प्रे करूँगी, गोल्डन कलर का स्प्रे करूँगी। जो चीज़ें हमें हाईलाइट करनी होती है वहाँ हमारा कलर थोड़ा ज़्यादा लगेगा और बैकग्राउंड में अपने आप थोड़ी थोड़ी शाइन चले जाती है, उसे वो एंटीक लुक बन जाता है। लेकिन जब हम, आप गोल्डन, कॉपर, किसी भी कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं शाइन के लिए, वो आपकी चॉइस होती है कि आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर किया है, एंटीक लुक देखने के लिए आपको कौन सा कलर करना है। मैं ब्लैक एंड गोल्डन यूज़ कर रही हूँ। ये देखो पूरा ध्यान से कलर करना होता है हमें। हमें नीट एंड क्लीन काम करना बहुत ज़रूरी होता है। एक आर्टिस्ट की पहचान उसके काम से ही होती है। ये देखो हम कलर करेंगे, अभी पूरा सिंगल कोट करके थोड़ी देर छोड़ना है इसे, बॉर्डर और पूरा कंप्लीट इसको एक साथ ही कलर करना है। जब हम फर्स्ट कोट करेंगे पूरे के ऊपर अच्छे से करके छोड़ देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद हम इसके ऊपर सेकंड कोट करेंगे। ये देखो मेरे दोनों कोट हो गए और देखो ब्लैक के अंदर भी हल्की हल्की शाइन दिख रही है। अब ये मैंने गोल्डन स्प्रे कलर लिया है, गोल्डन से मैं स्प्रे कर रही हूँ। जो चीज़ें मुझे हाईलाइट करनी है उसके ऊपर मैं स्प्रे करूँगी और बैकग्राउंड में आप देख रहे हो अपने आप थोड़ा थोड़ा कलर जा रहा है। ये देखिए
बहुत ही अच्छा पीस। ये देखो हमारा पीस बनकर रेडी हो गया। अब हमें कुछ घंटों तक इसे भी छोड़ना है ताकि ये सेट हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।